दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फैन की रेगुलेटर के साथ फैन के साथ कनेक्शन किस तरह से की जाती है। साथ ही साथ यहां पर आप देखेंगे कि मान लो मेरी ये जो स्विच है, इस स्विच में से एक स्विच को मैं हटाकर सीधे रेगुलेटर और फैन की कनेक्शन कैसे करूंगा वो भी सीखेंगे। साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि अगर मान लो मेरे स्विच में जगह एक्स्ट्रा है, एक स्विच और रेगुलेटर के साथ जो है पंखे की कनेक्शन किस तरह से करते हैं वो भी यहाँ पर देखेंगे। तो फिलहाल बने रहिए वीडियो में। फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं ये जो स्विच है उसको निकालते हैं और उसकी जगह में ये जो रेगुलेटर की बटन है उसको कैसे फिट करते हैं, उसकी कनेक्शन देखते हैं। तो मेरी स्विच बोर्ड में करंट अभी नहीं है, स्विच को ऑफ कर लिया हूँ ताकि मैं करंट लेने का रिस्क नहीं लेता हूँ। तो इस तरीके से जो बीच वाला स्विच है यहाँ पर मैं इस स्विच को खोलता हूँ। तो मैंने यहाँ से जो बीच वाला स्विच है उसको निकाल लिया है। इसमें बताता हूँ कि अगर स्विच नहीं लगाएंगे तब भी आपकी जो फैन की कनेक्शंस है इस रेगुलेटर के साथ कर सकते हैं और बंद चालू करने का काम भी ये रेगुलेटर ही पूरी अच्छे से एक स्विच की तरह भी काम करेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लगाता हूँ, वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैं यहाँ पे स्क्रू टाइट नहीं कर रहा हूँ, आप स्क्रू को टाइट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सीधे सीधे इसकी कनेक्शंस बताता हूँ। ये देखिए ये जो वायर है इसमें क्या करनी है, ये जो मेरी फैन की दो वायर है जिसे मैं डायरेक्ट स्विच बोर्ड पे लगा के अपनी पंखा को चालू करता हूँ, तो सिंपल इसमें हमें क्या करनी है, एक वायर को यहाँ से उठानी है, एक वायर इस रेगुलेटर के साथ इस तरीके से कनेक्ट करनी है। ये हो गया। अब ये जो एक वायर बचती है इसको इसमें न्यूट्रल पॉइंट देना है, तो मैं यहाँ से इसको न्यूट्रल पॉइंट देता हूँ। ये जो है न्यूट्रल पॉइंट है, तो फैन की जो दूसरी वायर बचती है उसको मैं इस न्यूट्रल पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ इस तरीके से। अब ये जो वायर बच जाती है इसको पावर पॉइंट दूंगा मैं, तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी लंबी वायर बच जाती है इसको मैं कट कर लेता हूँ, ज्यादा लंबा हो गया इसलिए। अब इसमें मेरे को अच्छे से टैपिंग लगानी होगी ताकि ये जो वायर है किसी और वायर के साथ ज्वाइंट नहीं हो। फिलहाल मैं स्क्रू को टाइट कर लेता हूँ और आपको चालू करके दिखाता हूँ कि ये जो कनेक्शन है वो सक्सेस होती है या नहीं। चलिए यहाँ पर अब हम इसको ऑन करके देखते हैं ये जो रेगुलेटर है काम करती है कि नहीं, बिल्कुल एक स्विच की तरह काम करती है कि नहीं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं कैमरा थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आपको सभी चीज़ें यहाँ पर एक साथ देखने को मिल जाएगी। ये देख सकते हैं आप, पंखा से रेगुलेटर की बटन को मैं बिल्कुल स्विच की तरह ही इस तरीके से ऑन करता हूँ, तो ये देखिए पंखा जो है घूमने लग गई है, नंबर वन की पॉइंट पर है। फिर बढ़ाता हूँ तो इसकी स्पीड बढ़ने लगेगी, फिर बढ़ाऊंगा तो ये बिल्कुल एक स्विच की तरह ही रेगुलेटर जो है काम करती है। अगर हमारे बोर्ड में रेगुलेटर लगाने की जगह नहीं है तो पंखे की जो स्विच होती है उसकी जगह में हम रेगुलेटर को लगा सकते हैं इस तरह से कनेक्शंस करके। अब मैं बताता हूँ कि एक स्विच के साथ रेगुलेटर की कनेक्शंस किस तरह से होती है। तो फिलहाल अब मैं इसको बंद करता हूँ पंखे को। तो चलिए यहाँ पर अब हम देखते हैं कि ये जो स्विच है, स्विच के साथ रेगुलेटर की कनेक्शंस कैसे की जाती है, वो भी काफी सिंपल और आसान होती है। ये देख सकते हैं आप, ये जो स्विच है मान लो खाली है। अब इस स्विच में रेगुलेटर के साथ पंखे की कनेक्शंस की जाती है, तो किस तरह से उसकी कनेक्शंस होती है, सिंपल ये जो वायर है रेगुलेटर की, एक वायर को सिंपल सा इस स्विच में हमें लगानी है इस तरह से और इसको टाइट करनी है। ये देखिए टाइट हो चुकी है। अब क्या होगा, यहाँ पर सिंपल सी कनेक्शन से देख सकते हैं ये जो पावर पॉइंट है मतलब प्लस पॉइंट है स्विच में गया, स्विच को ऑन करते ही रेगुलेटर के लिए पावर भेजती है और फिर रेगुलेटर जो है पावर को आगे पंखे के लिए भेजती है और पंखे के लिए यहाँ पर जो न्यूट्रल है वो डायरेक्ट दी गई है। तो बिल्कुल सिंपल आसान होती है स्विच बोर्ड के अंदर रेगुलेटर के साथ स्विच के साथ पंखे की कनेक्शन जो है कर सकते हैं, या फिर स्विच जो एक ही लगी है पंखे के लिए उसी स्विच को हटाकर हम डायरेक्ट एक स्विच रेगुलेटर की ही खाली लगा सकते हैं।
तो इस तरीके से जो वायरिंग है उसको कर सकते हैं। मेरी इस वीडियो में थोड़ी सी जानकारी मिली हो तो वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलता हूँ दोस्तों मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।